गैर मुस्लिम को हिंदू को कहते हैं सदीक, हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त ज्यादा कर रहे हैं सऊदी। हम जैसे कहते हैं ये सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ, इतना बड़ा फर्क क्यों है? अरे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं पाकिस्तान, कहते हैं हमें दे दे ज़कात। इनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी तरफ ही झुकाव करते हैं। बड़ी बात है, सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आजकल डॉलर जितना ऊपर जाएगा उसी मुल्क से हमारी दोस्ती होगी। और ये इंडियन कल्चर जो है वो वैसे भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि जो मुस्लिमिज्म है वो कम हो और सारी कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें, और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं। ऐसे ही है दोस्तों, सऊदी अरब में 15 करोड़ से भी ज्यादा श्रीमद भगवद गीता की कॉपी बिक चुकी है, इसी के ऊपर पाकिस्तानी जनता अपनी राय दे रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि पाकिस्तानी जनता क्या बोल रही है। तो उनमें सबसे ज्यादा टॉप पर इंडिया है, ठीक है। अमेरिका को देख लो, वो एक सुपर पावर है, लेकिन वो किसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है? इंडिया के साथ। चाइना को देख लो, इंडिया के साथ। सऊदीया को देख लो, इंडिया के साथ। ईरान को देख लो, तुर्की को देख लो। तो हर कंट्री चाहती है कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेस्ट करें, क्योंकि वो आजकल ऊंचाइयों पर जा रहा है। अब देख लो, हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों को कहते हैं चांद इधर आओ, चांद इधर आओ, तो वो देखो इंडिया चांद पे चला गया। यार हम उनकी कौन कौन सी चीजें बयान करें? तो हिंदुइज्म को वो प्रोटोकॉल देते हैं, वहाँ पे जो जितने भी हिंदू हैं वो उनके आने से खुश हैं, क्योंकि वो आप देखें ना, गुजरात में उन्होंने ट्रेन वगैरह चलाई है, उसी से वो वजीर आला बने हैं, फिर उसी को उन्होंने एडवांस किया पूरे गुजरात में, गुजरात से भी बाकी सूबों में लेके उसी से वो वजीर आला बने हैं, फिर वो उस पर खुद कोई करप्शन का कोई आज तक कोई पैसा साबित नहीं हुआ। तो वो सिंपल सा बंदा है, बजाय ये दिखाया बंदा कि वो है कि अपने हिंदुइज्म को वो प्रोटेक्ट करता है, उसी को वो आगे लेके जाता है। वो हिंदू मज़हब को भी प्रमोट कर रहे हैं और वहाँ मंदिर वगैरह ये वो हर चीज़ बन रही है, लेकिन उनको शायद अगले वक्त में अपनी इकॉनमी इतनी सर्वाइव नज़र नहीं आ रही। सऊदी को अपना सर्वाइवल नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अच्छा। हर वक्त हर मजहब के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये अब अल्लाह जानता है कि बेहतरी। ताकि 15 करोड़ कॉपीज अरबी में ट्रांसलेट हुई और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी। सऊदी अरब का इंडिया के साथ रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब हिंदुइज्म और हिंदू कल्चर की तरह सऊदी अरब का जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुभ रहा है कि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा का लीडर हिंदुइज्म की तरफ। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं पाकिस्तान, कहते हैं हमें दे दे ज़कात, तो हमारी इज्जत इस तरह होनी है, और हम जवाब नहीं देते। उनको जवाब देना चाहिए और वो तो लगेंगे। आप जो मौजूदा दौर है आप जाके देखें, सिनेमा, लेडीज ड्राइविंग, कैसीनो, हर चीज़ चल रही है। इसलिए वो मैं अगर मेरे अल्फाज कहीं वो जहर आलूद ना हो जाएं, वो लोग अयाशी करने वाले हैं। हम तो इस अयाशी में नहीं पढ़ते ना। चले सर, अभी भी अगर कैसीनो खोल रहे हैं, क्लब खोल रहे हैं, वो उनका अमल है, लेकिन बात ये है कि सऊदी अरब के अंदर भगवद गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है, वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों में बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब एलिमिनेट कर रहा है, कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा जी। 15 करोड़ अब ट्रांसलेशन उन्होंने की अरबी जबान में, उनकी हिंदी को अरबी में ट्रांसलेट किया, पढ़ा रहे हैं। तो भगवान कृष्णा स्टोरीज हमें सिर्फ वो दिखावे का है, क्योंकि हमने हाथ मिलाया, हम भीख मांग के हमारे दरवाजे पे एक दफ़ा दो दफ़ा कोई भीख मांगने आएगा हम तो झिड़केंगे उसको। तो हमारा यही काम है, और उसका असर क्या है, पूरी उम्मत मुस्लिम पे पड़ रहा है। छोटा सा इसराइल क्या गुल खिला रहा है, इनकी आंखें नहीं खुली हुई, खुलती नहीं है, हमारी खुल ही नहीं सकते। इसलिए मेरा ये मैसेज है तमाम मुसलमान ब्रदर भाइयों को, हमें भी, मैं कुर्बानी देता हूँ, आओ आज मैं झंडा उठाता हूँ, मैं फलस्तीन में शहीद होता हूँ। सर आपके मेरे झंडे उठाने से कुछ नहीं होता, नहीं ये तो स्टेट का एजेंडा भाई, जितने मुस्लिम ममालिक है हमें लाइक नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्रीज जितनी भी है वो बजाय के पाकिस्तान के मुसलमान जहाँ पर भी उनके साथ कहीं ज्यादती हो रही है उस चीज को वो लेट डाउन करते हैं और दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, जहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग है, जहाँ पर ये जो हमारा है मगरबी कल्चर वो कम हो रहा है, दूसरा कल्चर ज़्यादा है, उस चीज़ को। सऊदीया वो वाहिद कंट्री है जो स्टैंड ले तो पूरा मुल्क इसके साथ खड़ा हो सकता है। वहाँ पर काबे में जितनी रौनक होती है दुनिया में हर टाइम, इतनी रौनक कहीं किसी जगह पे भी नहीं होती। वहाँ पर जितने मुसलमान स्टैंड ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, इतना कोई भी नहीं, लेकिन वहाँ पर जस्ट इबादत भी एक
सिस्टम बनाया हुआ कि आए करें, उसके अलावा पाकिस्तान को कोई अहमियत नहीं दी जाती, मुसलमानों को इतनी फैसिलिटीज नहीं दी जाती जितनी दूसरी कंट्रीज के। सऊदी अरब हमें बैगर्स कहते हैं, भिखारी कहते हैं, पाकिस्तानियों के वीज़ा बंद किए हुए हैं। सऊदी अरब जो है इंडियंस को अपना दोस्त मानते हैं, उनके मजहब से भी प्यार करते हैं, इंडियन से भी प्यार करते हैं। सर, सऊदी अरब ने इंडिया के हिंदुइज्म की किताब है, जैसे हमारे कुरान होता है उस तरह उनकी भी एक स्पिरिचुअल किताब है भगवद गीता, अरबी में सऊदी अरब ने भगवद गीता को ट्रांसलेट किया और 15 करोड़ कॉपीज अरब कंट्रीज के अंदर बिक चुकी हैं। अरबी अब भगवद गीता पढ़ रहे हैं, हिंदुइज्म के साथ उनका मोहब्बत और जो उनका झुकाव है इंडियन कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। देखिए मुझे उसका इल्म नहीं है, मे बी हो सकता है वो जो किताब उन्होंने ट्रांसलेट करवाई हो वो उनके मुताबिक सही हो, उनको उनके जो कानून चल रहे हैं या लॉ चल रहे हैं या उनके जो वहाँ का जो माहौल है रूल उसको अट्रैक्ट करती हूँ। तो दूसरी बात यह है कि इंडिया की इकोनॉमी इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पे आज तक मार्शल आने लगा, सबसे बड़ा मसला है। फिर उनकी जो एजेंसियाँ हैं ना वो जो बात कर लेती हैं आर्मी का भी और पॉलिटिशियंस का भी उसी एक ही मौक़ होता है। यहाँ पे अगर हमारे को सियासतदान को बात कर आते हैं तो वो आगे आर्मी का ये क्यों बात की, ये वो उसको डिफेंड नहीं कर पाते, यानी आप पांव पीछे अपनी बात से पीछे हट जाते हैं। मोदी साहब तो तीसरी दफ़ा गवर्नमेंट वहाँ बनाने जा रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे उन्होंने जो मोदी का बेसिकली वो हिंदू है ना बेसिकली, हाँ। तो हिंदुइज्म को वो देते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, वहाँ पे जो जितने भी हिंदू हैं वो उनके आने से खुश हैं, क्योंकि आप देखें ना गुजरात में उन्होंने ट्रेन वगैरह चलाई है, उसी से वो वजीर आला बने हैं, फिर उसी को उन्होंने एडवांस किया पूरे गुजरात में, गुजरात से भी बाकी सूबों में लेके उसी से वो वजीर आज़म बने हैं, फिर वो उस पर खुद कोई करप्शन का कोई आज तक कोई पैसा साबित नहीं हुआ। तो वो सिंपल सा बंदा है, बजाय ये दिखाया बंदे कि वो है कि अपने हिंदुइज्म को वो प्रोटेक्ट करता है उसी को वो। ये दोस्तों अब तो पूरी दुनिया भी हिंदू धर्म का पालन करना चाहती है, किस तरह से अभी अरब कंट्री भी हमारी श्रीमद भगवद गीता का पाठ जो है ना अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, यही है असली हिंदू धर्म की ताकत। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है ये हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए और मुझे दे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद और जय भारत।